अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं अभी फ़िलहाल मेडिकल में अपना ब्लॉग शुरू किया हूँ। सुबह नूर गिर गई आज और उसके पैर में आया है फ्रैक्चर, और मैं सुबह से उसके साथ हूँ। हम लोग ने पहले ये निकाले, एक्सरे निकाले उसके पैरों का। मैं दिखाऊँ तुम लोगों को, ये उसके पैरों का फ्रैक्चर निकाले, एक्सरे निकाले, उसमें फ्रैक्चर निकला। ये देखो, ये सेंटर पार्ट में ना, ये सेंटर वाली हड्डी में क्रैक आ गया है, दिखा। तो उसका ट्रीटमेंट चल रहा है अभी, मैं डॉक्टर से कंसल्टेशन भी हो गया। अभी अंदर उसका प्लास्टर हो रहा है, जो चलने वाला जो पैर को पैक कर रहे हैं उसके। और अभी मैं यहाँ से दवा लेके जा रहा हूँ, जो दवा दे दी है, ठीक है। अभी मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ, अंदर से निकलेगी बाहर। रो रही थी, लेकिन अभी प्लास्टर के टाइम पे थोड़ी शांत हुई है। डॉक्टर निकले, बोले हाँ हो गया अच्छे से, वो बाहर निकल के शायद बैठी रहेगी मेरे लिए। वहीं चल के तुम लोग दिखा दो बाकी का। वो दवा का पैकेट आया है ऐसा थैली वाला, यहाँ पर ही हम लोग दवा खाने में निकल के बैठी है क्या। हाँ बैठी है। अभी भी पूरा बांध दिया, डेढ़ महीना बोले, छह भी कैसे लगता है, 3 महीना लगता है जॉइंट होने को, हड्डी बहुत दुख रहा है। अभी भी दवा नहीं देते को दर्द के लिए कुछ? नहीं, इंजेक्शन नहीं दे सकते ना, वो तबीयत। हाँ, इसके लिए काम होने पेन के लिए देते हैं वो। ठीक है, ये वाला जूता दूसरे पैर का वो नहीं मांगी नहीं मैं बोला उसको बताया, ये भी एक पैर में ये पहनेगी, दूसरे पैर में दूसरी चप्पल पहनेगी, कैसा लगे। ज्यादा चलना नहीं बोले ना, इसलिए चप्पल का टेंशन नहीं है। ज्यादा चलना नहीं, ज्यादा खड़ना नहीं, ऐसे पैर लटका के बैठे ऐसे बैठना नहीं। दो दिन पिलो रख के उस पर पैर रख के फिर बैठना आराम से। हाँ। तो अभी इस पे खड़े हो सकती क्या? नहीं है जो चलना। नहीं नहीं, नहीं, नहीं खींचे ना ऐसा, ये पकड़ के से खींचे पट्टी बांध। हाँ, ताकि वो बैठे हड्डी बराबर ना। हाँ तो मैं बोला था ना, हड्डी बिठाने के टाइम पे होएगा। चल चल सकते अपने बाहर जाने का ना, ये जंपिंग जपांग जंपक जंपक बहुत मारो भी रुक रहा है। अच्छा चल ठीक है आराम से। लेकिन वो जूता पहनी तो है तू, पसंद लग रहा है जूता। हाँ। तो जूते पे नहीं रख सकती तू जमीन पे? नहीं अभी नहीं रख सकते, बोले अभी रखेंगे तो दुखेगा। अच्छा अच्छा, कांदा वड़ा कांदा वड़ा गोदी में लू बाइक। अच्छा तो यही खड़े रहे, मैं लेकर आता हूँ गाड़ी। अभी ऐसा होएगा हम लोग के साथ, थोड़ा हिम्मत कर, वही बोल रहा हूँ मैं। और ठीक है, ऐसे है ना, ऐसे रखने नहीं हो रहा। ये पहली बार मेरी जिंदगी का पहला प्लास्टर। मेरे डॉक्टर पूछ रहे हैं, इनको वही बोल रहे, बोल रहे ऐसे क्यों हो रहे। तो मैं बोली मेरे को ना बड़े से बड़ा कटा है, जला है, वो बर्दाश्त हो जाता है। मैं यही बोल रहा हूँ, जिंदगी का पहला है कि जो हो गया हो गया, टेंशन लेके कुछ मतलब नहीं है, निकाल लेंगे हंस खेल के। ये वाला भी अंदर रो रही चिल्ला के मैं। होता है लेकिन तेरा जूता मस्त तेरे अभी डेढ़ महीना कहीं तेरे को घूमना फिरना नहीं है, कुछ भी नहीं है, कहीं नहीं जाने का। अभी इसको कुछ भी नहीं मालूम, मैं इसको अभी समय का दोस्त भी, समय का बच्चा, आपके समय चाचू का बच्चा भी मिला मुझे। ये देख तेरी अम्मी को पोस्ट करना भाई। ए मामा छे, हाय अस्सलाम वालेकुम। लेट 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 आराम कर, अब्बा तो करेंगे ही अब्बा तो अभी करेंगे, मेरे को खाना दिए पानी दिए, फिर कल भी करेंगे। तू नहीं करेगा हर। अच्छा नूर तूने बता ही नहीं यार, टूटा कैसे? मेरे को बहुत मस्ती आई थी मगर टेरिस पे वो नल का वॉल आता ना, वो बंद करने के लिए गई थी। इमरान भाई गए थे, उनसे नहीं हुआ तो मैं अम्मी को बोली मैं जाती थी, मैं हल्के फुल्के चढ़ जाऊंगी। अभी बोले मत जा, मैं फिर भी गई गई चढ़ी चढ़ गई, बंद कर दी, सब कर दी। उतरने के टाइम पे मैं वॉल का सहारा लेने गई ना पैर से, तो पैर की जो उंगली ना ऐसे करके ट्विस्ट हो गई, और एक ही उंगली ट्विस्ट हुई, सारी होती तो शायद नहीं टूटती, वो एक ही उंगली
आवाज है, मैं थोड़ी स्किन अंदर जाती हुई दिखी तो मेरे को थोड़ा सा लगा कि नस यहाँ हो गई लगता। तो मैं बोली इमरान को दुख रहा है मेरे को, तो फिर उतरी, उतरने के बाद मेरा आधी सीढ़ी भी उतरी दर्द हो रहा है बोल के इमरान भाई भाग के नीचे बुलाने के लिए। तब तक सभा आधी सीढ़ी चढ़ गई सुन के कि क्या हो गया। अब आधी सीढ़ी तो उतरी, उसके बाद उतरने नहीं हो रहा, पहले रखने नहीं हो रहा, रख ली तो खटक। मेरे को लग रहा ना वो जो हल्का सा क्रैक आया रहेगा तेरा चढ़ उतरने के पे, बाद में सीढ़ी उतरते 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 वो क्रैक अलग हुआ रहेगा, तो तभी तेरे को आधी सीढ़ी उतरने के बाद परेशानी हुई रहेगी, ज्यादा दर्द शुरू हुआ मेरे को है ना। और आधी सीढ़ी उतरने के बाद नहीं हो रहा उतरने, सब बेचारी आई भाभी कंधे पे हाथ रखो बोल के बैलेंस कर रही, उतरो उतरो, जैसे तैसे उतरी हूँ इधर आके तेरे रोना शुरू हो गया क्योंकि इतना दुख रहा है ना, बोलते जाओ चक्कर चक्कर नॉर्मल सा लगा, अपनी मस्ती चालू ही थी तो दवा खाई। हाँ खा ली मैंने, ठीक है। फिर मैंने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया, मैं मजाक नहीं करी, सीरियस वाला दुख रहा है। फिर लेके गया दवा खाना, एक्सरे निकाले, दिखाए तुम्हें एक्सरे? हाँ हाँ, बाकी का तो मैंने बताया। बेचारी मेरी मम्मी और एक तो तुम अंदर क्या, हाँ अंदर पहले तो देखा बोले नहीं 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 दुखेगा, लगा लेंगे हम लोग आराम से कर देंगे, टेंशन मत। मैं पहले बोल रही थी दुखेगा दुखेगा, नहीं 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 दुखेगा नहीं दुखेगा। अंदर आने के बाद तो सॉक्स जैसा पीना, एक पट्टी मारे दूसरी पट्टी मारे तीसरी पट्टी टाइट मारने का बोल के ना उंगली पकड़ के खींच दिए और फिर वहाँ रोई मैं। हाँ, और सबसे बुरा मेरे को एक ही चीज़ लगा, तेरे को एक ही पैर की चप्पल दिए। वो भी नहीं पहने जा रही है, दुख रहा है। अभी तो आराम कर, चल चलेगा। ममड़े देखा तेरी अम्मी के पास गम्बूट आया, गम्बूट अच्छा। थैंक यू थैंक यू। सफेद गुलाब के साथ, अरे वाह सफेद गुलाब, पानी पानी भी लाया, नारियल पानी, कोकोनट वाटर। तो ये आए अपने वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर साहब के तरफ से, हाँ डॉक्टर विजल। देखो ना ये बारी ना हर टाइम है ना वो लिख के भेजते गए योर फेलो सब्सक्राइबर, और मैं गेस करता हूँ कि उनके तरफ से रहेगा। माशाल्लाह ये बारी देखो नाम के साथ आया उनका, डॉक्टर बीजल लिखा हुआ है ना फाइनली उनके नाम के साथ। एक किलो का केक भी आया साथ में इसके, चॉकलेट केक। दिस मैसेज इज फॉर डियर अम्मी, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन कम्प्लीटिंग उमरा, मै अल्लाह एक्सेप्ट ऑल द प्रेयर्स एंड रिवॉर्ड्स। वंस अगेन अम्मी रियाज ब्रो एंड भाभी उमरा मुबारक, शुक्रिया 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 दिल से बहुत सारा शुक्रिया। और क्या है और यस और क्या है, मैं अभी नीचे आया तो ये दस्तखत, ये मैं लेके आती केक बताती हूँ। वाह हाँ हाँ, ये लो बाबा, हम पूरा पैर के नी वो तक मत डालो, खाली कवर करो अच्छे से, ठीक है। चिल मारो, तू लेटी कैसा है, तू लेटी कैसा है, बेशर्मो कितने बार मारू। अच्छा अच्छा, वो बात करती है कौवे लोग से, बात करती है, रियाज ने सिखाया है उसको अलग से टैलेंट, सबसे बात कर रही है। बेशर्मो अभी मारी थी ना, रुको रुको, इसुक इसुक नहीं करो ऐसा। अम्मी रियाज बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, याद है हम उमरा में तो हमारा बर्थडे था तो भाई ने तो गिफ्ट दिया, भाभी ने भी दिए मेरे को तो, दो वॉच मिली बर्थडे की गिफ्ट दी, केवल केक नहीं काटे थे ना। सही बोल रहा, अभी तुम लोग का उमरा ब्लास्ट वैसे भी अच्छा हो गया, वहाँ नहीं जाते तो यहाँ कुछ बड़ा प्लान करते, लेकिन इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता था, उमरा से बड़ा और क्या कुछ नहीं हो सकता था। हाँ हाँ बिल्कुल, छोटी छोटी परेशानी दस दस बार बता सकते हैं कि मैं ये चीज से परेशान हूँ, ये परेशानी है, ये परेशानी, ये परेशानी, तो लाइफ की छोटी छोटी खुशियों को भी ना खुशी से जीना चाहिए, इसलिए तो हम लोग यहाँ पर टूट फूट के भी मस्ती कर रहे थे। सेम मैसेज, एक बुकेट में आया था, एक केक में आया। थैंक यू डॉक्टर साहब, तुमको ना देती हूँ खाने के लिए। अरे ना रुक जाओ, ये तो यूसुफ भाई का फेवरेट है, मालूम है मेरे को। हाँ हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, और इसके अंदर ना यार व्हाइट गुलाबी गेहूं है। थैंक यू, जमीन खोद दे गाड़ दे, थैंक यू। नहीं व्हाइट गुलाब, व्हाइट गुलाब, व्हाइट गुलाब बहुत प्यारा दिख रहा। वो भी कट गया, क्या बात, वो कितना बड़ा केक है माशाल्लाह, मुबारक हो तुम लोग, बहुत बड़ा केक है बेटा, मैं तो आधे में से निकालूंगी, नहीं तो पूरा नहीं होगा निकालने। चलो बर्थडे ना बोला मम्मी और भाभी, देखो खा तो सही। मम्मी आ रहे हो।
सॉरी सच में काम करा रही हूँ। थोड़ा सा मम्मू ये क्रीम चले खा ले खा ले भाई का बर्थडे भाई दो तुम कैसे बेटा ये लो देख भाई मुच्छी चाली दोस्तों बाय बर्थडे हैप्पी बर्थडे। अच्छा लिख केक और दूँ लेकिन पहले खाना खिला दूँ तुमको। खाना नहीं खा रहे तुम स्कूल जाके। हाँ पहले खाना खिला चल भाई खिला खाना। तू इच परेशान करता है अम्मी को अपने हाथ से नहीं खा रहा बीबी तू तेरे भाई को चिल्ला मेरे को क्या चिल्ला रहा है हाँ तेरी अम्मी को परेशान कर रहा है वो हाँ दोनों मिलके चिल्ला कर रहे ना कांड इसके लिए चिल्ला रहे ना साला दोनों मिलके हमको पागल बना रहे हो तू इच नहीं आता था अभी तो दर्द नहीं ना दवा करने के बाद गाइस यहाँ पर अखा दिन निकल चुका है नूर का। पूछते हैं कैसा रहा पहला दिन। मैंने ना ट्राई की उठ के चलने का ये पहन के पर नहीं हो रहा वापस घर है। अरे ये क्या है आजू बाजू ये स्कूल बैग ये टाइम पास होमवर्क कराती हूँ। रुक जा हाँ ये होमवर्क कराती हूँ टाइम पास बोली ये थोड़ा तब्बू का भी वो लोग इतना काम में बिजी है मेरा काम मेरे से का काम भी लोगों का। ऊपर से आज राशन नहीं आया घर में आज राशन भी आया कल लेती थी राशन और फिर उसमें लगे पड़े बोले इसका थोड़ा बहुत छोटा मोटा जो बैठे बैठे कर सकती हूँ कर ही लेती हूँ फिर भी अम्मी कर रहे सब उसका खाना बनाना करना सब मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है मेरे से काम कर रहे वो लोग वो एयरप्लेन को अंदर ले लो चल अभी हट जा चल हट जबरदस्ती कुछ भी आगे बोलता है नूर बता रही ना कुछ। अच्छा रुक जा मैं सोकर उठी थी मुझे लगा था थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा लेकिन पेन ऐसा लग रहा और ज्यादा हो गया ये इसकी वजह से कम पावर की दवाई मिली थी मैंने। हाँ फीड कराती हूँ उसको तो मम्मू ये वाला तुमने गम्बूट निकाल दिए। हाँ ये देखो ना ये है ना पहनने के बाद में अगर ऐसा पैर रखती हूँ ना तो प्रेशर पड़ रहा तो दुख रहा है। अच्छा लेकिन मैंने देखा एक्सरे में एकदम यहाँ की टूटी है तेरी हड्डी। हाँ और पलास्तर इतना बड़ा मार दिए और वही छोड़ दिए या नहीं यहाँ क्योंकि यहाँ हाँ जो भी है अरे फिर भी नहीं है उतना नहीं है जिधर टूटी है ना उधर पे इतना सा है और बाकी पूरा पैर पे मार के रखती है। ये क्योंकि प्रेशर दे रही ना मैं खुद ऐसे दबा रही हूँ तो ऐसा लग रहा है अंदर की हड्डी हिल जा रही है। वही तो जो हिसाब से पैक होना चाहिए था वही हिसाब से पैक नहीं लग रहा मेरे को। देखते 10 दिन के बाद जाएंगे बुलाया है ना। मैं तो बोल रहा अगर 2-3 दिन तेरे को ऐसा लगे ना कि यार तो अपन देखते इसका हिसाब किताब क्या है क्योंकि मेरे को वो दिमाग में वही बैठा है मैंने एक्सरे देखा हो ना ए मत हाथ मत लगाना ए पागल। गाइस यार दुआ करना कि नूर जल्दी ठीक हो जाए ठीक है। उसने ये सिचुएशन पहले कभी देखी नहीं है फर्स्ट टाइम है वो भी घबराई हुई है और कहीं ना कहीं मैं भी घबराया हुआ हूँ उसके लिए लेकिन अपन हंस खिल के निकालते हैं प्रॉब्लम को। प्रॉब्लम में परेशान नहीं होते हैं क्योंकि इतना मैं समझता हूँ मेरी आदत है कि प्रॉब्लम्स आती है रुलाने के लिए अगर हम रो दिए तो वो जीत गए और हम हंस दिए तो वो हार गए तो वैसे ही ज़िंदगी हंसते हुए निकले इंशाल्लाह ठीक है। तो दुआ करना ये वाली चीज़ के लिए कि नूर जल्दी सही हो जाए है ना। बच्चों का भी ख्याल रखना उसको क्योंकि बच्चे का ख्याल दूसरे भी रख सकते हैं ऐसा नहीं कि कोई नहीं रख सकता लेकिन बच्चों की आदत है कि घूम फिर के वो बाद में माँ के पास ही आते हैं तो वो उस चीज़ को लेके ठीक है गाइस। तो ये वाला वीडियो मैं यहीं एंड करता हूँ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। दुआ करना वीडियो पसंद आया तो लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना। जब तक के लिए टाटा बाय बाय खुदा हाफिज़।